लापरवाही की बाढ़ में डूबता इंडिया। जी हाँ, मुंबई आपको लेकर चलते हैं। मुंबई के वसई के पास चिंचोटी झरने पर पिकनिक मनाने गए 40 लोग 3 दिन से फंसे हैं। अचानक पानी का स्तर बढ़ने से वापस लौटने का रास्ता बंद हो गया है। इन लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। चिंचोटी झरने तक पहुंचने के लिए जंगल में 2 से 2.5 घंटे पैदल चलना पड़ता है। मुंबई में पिकनिक मनाने गए 40 लोग 3 दिन से फंसे हुए हैं। वसई के पास चिंचोटी झरना, जहां पिकनिक मनाने गए थे, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं चिंचोटी झरने की। यहां पिकनिक मनाने गए थे लेकिन पानी का लेवल बढ़ने की वजह से फंस गए ये लोग, और अब हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इन्हें ढूंढकर निकालने की कोशिश हो रही है। मुंबई के वसई के पास चिंचोटी झरना है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पिकनिक मनाने गए 40 लोग जो कि 3 दिन से फंसे हुए हैं। अचानक पानी का स्तर बढ़ने की वजह से वापस लौटने का रास्ता बंद हो गया है। अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है इन लोगों को ट्रेस करके वहां से निकालने के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या पता चल पा रहा है, जो हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू के लिए भेजे गए हैं वहां पर, क्या ये लोग मिल पाए हैं? देखिए, इन लोगों को लोकेट कर लिया गया है और फिलहाल ये लोग जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये 40 लोग हैं जो कि पिकनिक मनाने के लिए गए थे। वसई एक कस्बा है मुंबई के पास में, वहां के नजदीक चिंचोटी झरना है। करीब 2 घंटे तक जो है जंगल में ट्रैकिंग करके इस झरने तक पहुंचा जाता है। तो जब ये लोग लौटने लग गए तो उस दौरान तेज बारिश की वजह से जो लौटने का रास्ता था वो ब्लॉक हो गया और पानी का स्तर काफी बढ़ गया, तो ये लोग वहां पर फंस गए थे। और अब जो है हेलीकॉप्टर की मदद से इनको लोकेट कर लिया गया है और ये लोग बता रहे हैं कि फिलहाल सुरक्षित हैं और इनको निकाले जाने का काम अब शुरू हो चुका है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए चिंचोटी झरना कैसा दिखता है हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने बताया कि इन्हें लोकेट कर लिया गया है। 40 लोग हैं ये, यहाँ पिकनिक मनाने गए थे मुंबई के पास वसई जो कस्बा है, जिसकी जानकारी जितेंद्र दे रहे थे। मुंबई के वसई के पास चिंचोटी झरने पर पिकनिक मनाने गए थे 40 लोग, 3 दिन से फंसे हुए थे। राहत की बात कम से कम ये है कि इन्हें लोकेट कर लिया गया है, अब हेलीकॉप्टर से इन्हें निकालने की कोशिश होगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।